कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, किस तरीके से कांडला पोर्ट पे स्थिति बाजारों में देखी जा रही है, किस तरीके से आप विदेशी बाजारों में स्थिति है, सीबॉट के बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। और जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और खबर में आप अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, किस तरीके से माल है, किस तरीके से पोर्ट पे माल है, सारी जानकारी आपको विस्तार से यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। तो जब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं घरेलू बाजारों में। घरेलू बाजारों में एक बढ़िया करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। 107 रुपए वाला बाजार 102 रुपए सोया ऑयल आता हुआ दिखाई दिया। पामोलिन का बाजार भी 100 रुपए होता हुआ दिखाई दिया, जो 103 रुपए तक ऊपर में गया। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 90 रुपए वाला 86 रुपए रहा। मस्टर्ड ऑयल का बाजार जो सपोर्ट में बढ़ता हुआ नजर आया था 112 रुपए तक गया था, 109 रुपए हो गया। लगातार आप देख रहे हैं कि बाजारों में, आप भारत पे अगर सन ऑयल देखा जाए तो निचले स्तर से एक अच्छी डिमांड होती हुई बाजारों में देखने के लिए मिली। भारत में सन ऑयल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ब्लैक सी सन ऑयल के साथ साथ अर्जेंटीना में भी भारत में लगातार एक्सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में भारत का एक्सपोर्ट लगातार घट रहा है। सीजन में आधे साल में यूक्रेन में भारत से एक्सपोर्ट 1,00,000 टन से भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यूक्रेन के सीजन अंत में सन सीड का स्टॉक की बात करेंगे तो 1,00,000 से टन से भी कम रहेगा। सन ऑयल में निचले स्तर में होने के बाद निचले स्तर से एक अच्छी डिमांड सन ऑयल में आती हुई दिखाई दे रही है। मलेशिया के अगर पाम ऑयल की बात करी जाए तो मलेशिया के पाम ऑयल में जो वरिष्ठ जानकारों के अनुसार खबरें आ रही हैं, 4400 से 4000 रुपए की रेंज में बाजार रिंगिट पर बाजारों में कामकाज फिलहाल आप आने वाले दिनों में आपको इस तरीके से कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। मार्च में मलेशिया के स्टॉक फरवरी से फिलहाल ज़्यादा नहीं है। अभी उत्पादन जो पीछे कम हुआ था उसका असर आपको घरेलू बाजारों में देखने को मिला और निचले स्तर से 87 रुपए से बाजार 102 रुपए, लगभग 15 रुपए किलो की तेजी पामोलिन के बाजारों में आपको देखने को मिली। इसका सीधा असर आपने देखा, क्यों तेजी आई, क्योंकि होली का त्यौहार था, उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखने के मिला। होली का त्यौहार और रमजान का में बढ़िया डिमांड निकलती हुई नजर आई, उसका सीधा इम्पैक्ट बाजारों में देखने को मिला। कांडला मुंद्रा पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो कांडला मुंद्रा पोर्ट पे आप देखेंगे सोया तेल सब बिल्कुल खाली होता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी पाम तेल स्टॉक बिल्कुल ना के बराबर है। 16 मार्च को 42,201 टन का स्टॉक था। सात सप्ताह में स्टॉक लगभग 92,000 टन कम होता हुआ नजर आया है। सोया तेल स्टॉक 9,006 टन रहा, जो 1,000 टन से एक ही रिफाइनरी में 9 दिन की रिफाइनरी के बराबर बाजारों में देखा जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, न्यूज मार्केट 24 ने जो लोग भी मॉर्निंग सेशन में जुड़ते हैं, अगर आप भी मॉर्निंग सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग सेशन हमारा 9:45 का आप शो ज्वाइन कर सकते हैं। 10:05 तक सोमवार से शुक्रवार का ये शो चलता है। इसमें मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, सारी जानकारी आपको मिलती है। आप वहां पर जुड़ के मार्केट के आउटलुक को आप समझ सकते हैं, उसके हिसाब से आप कामकाज करके चल सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आप न्यूज़ मार्केट 24 ने सबसे पहले ही बताया था कि बाजारों में कहां पर खरीदारी करनी है और कहां पर बिकवाली करनी है, यह भी अपने मॉर्निंग के सेशन में सबसे पहले बता दिया था। और आप लोगों को भी बताया था कि किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं, और वहां से आपने देखा कि मुनाफा वसूली बाजारों में आती हुई दिखाई दी। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट की क्या स्थिति रही। कांडला पोर्ट पर क्रूड पाम ऑयल का बाजार 926 रुपए रहा, फॉरवर्ड में 925 रुपए, पामोलिन का बाजार 965 रुपए, इस पर भी ऊपरी स्तर से लगभग 2.5 रुपए किलो की गिरावट देखी जा रही है। सोया रिफाइंड की अगर बात करें तो 1,000 रुपए हो गया, 1,040 वाला सोया डिगम 945 रुपए, फॉरवर्ड में 925 रुपए। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 1,000 रुपए, इस पर भी बाजारों में ऊपरी स्तर से नरमी देखी गई। केएलसी कल -35 रिंगिट के गिरावट के साथ बंद हुआ था। आज केएलसी सुबह 5 रिंगिट प्लस खुली, अभी 63 पॉइंट की रिंगिट की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। आज के अगर देखा जाए तो बाजारों में 1-2 रुपए किलो का बाजारों में बढ़त देखी जा सकती है, जबकि सीबॉट के बाजारों में लगातार अर्जेंटीना में जो फसल है बफर देखी जा रही है, उसका असर देखने को मिल रहा है। सीबॉट की फसल में बफर होने के कारण यहाँ सीबॉट -56 सेंट की बाजारों में गिरावट देखी गई है। लगातार आप देख रहे हैं जो अर्जेंटीना से जो खबरें आ रही हैं, सोयाबीन में लगातार जो किसान हैं वहाँ की बिकवाली कर रहे हैं, बड़ी फसल उनके सामने खड़ी हुई है, लगभग 250,00,000 टन जो क्रॉप है उसका असर यहाँ पर बाजारों में देखने को मिल रहा है। इसके कारण अभी पुरानी फसल का भी स्टॉक उनके पास पहले से भी ज़्यादा बना हुआ है।
भारत पे अगर बात करी जाए तो ओलिन का स्टॉक एक महीने में लगभग आधा रह गया है। पोर्ट पे माल ना होने के कारण भारतीय तेल बाजारों में आपको तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक महीने से पहले कांडला मुंद्रा में स्टॉक 50,000 टन था, अब बिल्कुल ना के बराबर है। कृष्णापट्टनम चेन्नई हल्दिया में भी स्टॉक बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी एक इम्पैक्ट है क्योंकि बाजारों में एकदम से डिमांड आती हुई दिखाई दी और उसका असर आपने देखा भी कि केएलसी 3,800 से 4,400 होती हुई नजर आई और आपने देखा कि केएलसी जो बड़ी है 500-400 पॉइंट, उसका असर यहाँ पर देखने के लिए भारतीय बाजारों में आपको मिला है कि पामोलिन का बाजार आपने देखा 15 रुपए किलो का उछाल देखने के लिए मिला क्योंकि मलेशिया में उत्पादन कट की जो खबरें आ रही थी उसका असर की वजह से बाजारों में आपको तेजी देखने के लिए मिली हुई है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज आप करके चल सकते हैं। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल आज का 100 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 103 रुपए का है। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 100 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 102 रुपए। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 85 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 87 रुपए। इससे पहले आपको बता देते हैं, जैसे कि आप हमको चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, कहीं पर भी आप वॉच कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन और सपोर्ट ज्वाइन करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट आपको रेगुलर आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और कमेंट पे अपना फीडबैक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में देखी जा रही है राइस ब्रान की। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 85 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 87 रुपए। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5,300 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5,500 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4,600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4,800 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। तो मार्केट पे ओवरऑल आउटलुक जो आपको बताया, खाद्य तेल बाजारों में ओवरऑल आउटलुक है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजारों में एक करेक्शन आया है, बाजारों में करेक्शन है और कहां पर एग्जैक्ट आपको एंट्री करनी है, किस जगह आपको खरीदारी करनी है, उसके लेवल जानने हैं तो मॉर्निंग का सेशन हमारा आप मिस मत करिएगा। 9:45 का शो आप जरूर ज्वाइन करिए, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 15 साल पुरानी कंपनी है, रेट्स की जानकारी आप वहां पर भी ले सकते हैं। और मस्टर्ड की क्रॉप जो आने वाली है उसका प्रेशर बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। मस्टर्ड में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हाथ नहीं डालिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मस्टर्ड ऑयल में भी करेक्शन देखने के लिए मिलेगा, मस्टर्ड सीड में भी, सोयाबीन सीड के बाजारों में भी करेक्शन देखने को मिलेगा। अभी जो बाजारों में स्टेबिलिटी देखी गई, जो विदेशी बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी आई थी उसकी वजह से तेजी देखने को मिली, लेकिन बाजारों में ये तेजी इस तरीके से कंटिन्यू नहीं रहेगी। पोर्ट पर अगर स्टॉक वगैरह अभी जो माल प्रॉपर आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, एक्चुअल जानकारी जाननी है तो मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन जरूर करिए, वहां पर आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स वगैरह सारी जानकारी मिलती रहती है। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे खास तौर से खाद्य तेल के मार्केट के बारे में, जानेंगे सोयाबीन में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, ब्रांडेड कंपनियों में लोकल मिलों में आज खाद्य तेल मार्केट में सरसों, सोया, पामोलिन, वनस्पति में क्या रेट चल रहे हैं, सरसों के बाजार में सरसों तेल, सरसों सीड में कैसा कारोबार आपको आज के दिन देखने को मिल सकता है, विस्तार से आपको उस चीज के बारे में जानकारी देंगे खबरों में आगे, इसीलिए आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले सोयाबीन के मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं तो सोयाबीन उत्पादक मंडियों में दाम इस वक्त नरम देखे जा रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार घरेलू मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी सोयाबीन के बाजार में नहीं है, फॉरेन के बाजार में फसल ज्यादा है, जिस चीज का प्रेशर मार्केट पर बना रहेगा। अप्रैल के महीने में आने वाले टाइम में आपको हल्की सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। सोयाबीन के मार्केट में फिलहाल आज के दिन कारोबार जो देखा जा रहा है वो फ्लैट है, स्थिर कारोबार आप मार्केट में आज देख कर चल सकते हैं। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र के बाजार में सोयाबीन प्लांट में लातूर में अरिहंत प्लांट का रेट 4,650 है, ऑक्टेगन प्लांट कीमतें 4,650 देखी जा रही हैं। धनराज प्लांट में सोयाबीन प्लांट में आप जो रेट देख कर चल सकते हैं लातूर में वो 4,800 है, विजय प्लांट में रेट आप मार्केट में 4,700 रुपए देख कर चल सकते हैं। दुनिया में इसके अलावा डिसाम प्लांट का रेट 4,620 है, नारेन में श्रीनिवास एग्रो प्लांट कीमतें 4,610 रुपए देखी जा रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो सोया ऑयल रिफाइंड में रेट चल रहा है उसमें दुनिया में रेट 1,010 रुपए चल रहा है, लातूर में धनराज प्लांट में कीमतें 1,000 रुपए देखी जा रही हैं। अमरावती का रेट एग्रो प्लांट में 1,005 है, नागपुर में रुचि प्लांट का रेट 1,010 चल रहा है। इसके अलावा सोयाबीन प्लांट में मध्य प्रदेश में
प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4615 है, सांवरिया प्लांट कीमतें 4600 रुपए देखी जा रही हैं। प्रकाश प्लांट में जो रेट है बाजारों में वो 4615 रुपए देखा जा रहा है। धनुका प्लांट कीमतें 4650 हैं और महेश प्लांट में मार्केट में आप यहां से 4600 रुपए तक का रेट देकर चल सकते हैं। सोयाबीन प्लांट में मध्य प्रदेश में, इसके अलावा सोया ऑयल रिफाइंड प्लांट में मध्य प्रदेश में प्रकाश प्लांट का रेट 990 है, अभी प्लांट कीमतें 990 है। रुचि प्लांट में कीमतें 1005 है, महेश प्लांट का रेट 985 रुपए मार्केट में आप यहाँ से देखकर चल सकते हैं। मार्केट में जो रेट देखा जा रहा है उसमें उत्पादक मंडियों में दैनिक आवक लगातार बनी रहने का अनुमान है, प्लांट जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। शिकागो में सोयाबीन सोयातेल के दाम तेज है, जबकि मील के दाम में आपको एक मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। घरेलू मार्केट में सुधार आने का अनुमान नजर आ रहा है। सोयातेल का बाजार जो है वो बड़ा हुआ है, जिसको देखते हुए आने वाले महीने में अप्रैल के महीने में होली के बाद अगर रिफ्लेक्शन घरेलू मार्केट पर रहता है, सोयाबीन पर रहता है, तो रिकवरी जरूर आएगी। सोयाबीन के बाजार में सोयातेल को देखते हुए बाजारों में तेजी जरूर देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल फॉरेन के बाजार का बहुत ज्यादा यहां पर इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल सकता है। फॉरेन बाजार विदेशी बाजारों में फसल ज्यादा होने की वजह से प्रेशर मार्केट पे लगातार बना हुआ है, कारोबार बहुत ज्यादा तेजी और ना ही बहुत ज्यादा गिरावट के साथ हो रहा है। इसके आगे खबरों में बात करेंगे किस तरह से लोकल मिलों में कारोबार देखा जा रहा है, क्या रेट चल रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है। मगर उससे पहले अगर खाद्य तेल मार्केट से संबंधित, अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट में किस तरह से कारोबार आने वाले टाइम में देखा जाएगा ये जानना चाहते हैं, मार्केट प्रेडिक्शन तेजी मंदी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारा मॉर्निंग में होने वाला मंडे टू फ्राइडे का 9:45 पे जो लाइव सेशन होता है खाद्य तेल के मार्केट से संबंधित, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाजार खुलने से पहले पूरी बाजार की इसमें जानकारी दी जाती है कि कैसे कारोबार देखा जाएगा, आपको कैसे कारोबार करना चाहिए। तो इस पे जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं कि इस सेशन में कैसे जुड़ना है और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खाद्य तेल के मार्केट में कैसे कमा सकते हैं। तो इसके बाद अब बात करेंगे घरेलू मार्केट में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, लोकल मिलों में आज कैसा कारोबार चल रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रांड है मयूर ब्रांड, यहाँ पर आज कैसे कारोबार देखा जा रहा है। वनस्पति पाम ऑयल सोया में फॉर्च्यून ब्रांड में क्या कीमतें चल रही है, होलसेल्स के बाजार में क्या रेट चल रहा है। तो बाजारों में जो ट्रेंड है वो विदेशी मार्केट में आज एक मिला जुला रुख आपको देखने को मिल सकता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा न तेजी है न गिरावट है, लेकिन घरेलू मार्केट पर हल्का इन्फ्लुएंस जरूर पड़ा है। घरेलू मार्केट पर खाद तेल के दाम में 5 से 10 रुपए तक की हल्की कमजोरी दर्ज करी गई है। हालांकि मलेशिया में जून महीने के वायदे अनुबंध में पाम तेल के दाम 65 रिंगिट तक तेज रहे, 6266 रिंगिट प्रति टन का रेट यहां पर देखा गया। वैश्विक बाजार में खाद तेलों में हल्की तेजी तो बन सकती है, लेकिन बड़ी तेजी आने के आसार कम नजर आ रहे हैं। घरेलू मार्केट में इसी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी आने का आसार नहीं है। अब बात करते हैं रेट के बारे में, तो मयूर ब्रांड में जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रांड है, यहाँ पर वनस्पति में 15 किलोग्राम में रेट बाजारों में 1610 चल रहा है। मयूर ब्रांड में पामलिन में 15 किलोग्राम कीमतें 1650 है, 1 लीटर पामलिन में रेट मयूर ब्रांड में 98.50 रुपए है। पामलिन के बाद सोया ऑयल में 15 किलोग्राम में कीमतें 1715 रुपए चल रही है। 1 लीटर सोया ऑयल का रेट आप बाजारों में 103 रुपए बाजारों में आप यहाँ से देखकर चल सकते हैं। फॉर्च्यून कंपनी में जो रेट चल रहा है 15 लीटर में वो 1700 रुपए देखा जा रहा है और 1 लीटर में फॉर्च्यून कंपनी कीमतें बाजारों में 120 चल रही हैं। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में जो रेट देखा जा रहा है वो 97 रुपए है। पामलिन में जो कीमतें देखी जा रही हैं 1 लीटर में वो 92 है। बिनौला का रेट 10 किलोग्राम में 1000 है। सनफ्लावर कीमतें 10 किलोग्राम में मार्केट में 1010 देखी जा रही है और मूंगफली का रेट 1500 रुपए बाजारों में हो गया है। इसके अलावा बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश के बारे में होलसेल की कीमतों के बारे में, तो होलसेल्स में राइस ब्रांड में कीमतें बाजारों में 86 रुपए हैं। सोया ऑयल में रेट 103 चल रहा है। सोया डियो का रेट 101 रुपए देखा जा रहा है। मस्टर्ड में यानी सरसों में कीमतें 109 है। एक्सप्लोर का रेट 107 है। पामलिन में आप 101 रुपए तक की कीमतें देखकर चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो खाद्य तेल के मार्केट में उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। यहाँ पर खबरों में आगे बढ़ते हुए हमें बात करते हैं सरसों के बाजार के बारे में, तो आवक लगातार बढ़ने का बाजारों पे आपको एक प्रेशर कीमतों पर दिखाई दे सकता है। विदेशी मार्केट में जो मिला जुला रूप देखा जा रहा है उसकी वजह से काफी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है सरसों के बाजार में, कमजोरी दर्ज करी गई है। कल के दिन जयपुर में जो रेट रहा वहां 75 रुपए तक की गिरावट रही, जिसकी वजह से सरसों सीड के जो रेट है वो 5500 से भी नीचे मार्केट में कल के दिन जा चुके थे और आज भी बहुत ज्यादा तेजी दर्ज नहीं करी जा रही है मार्केट में। आज जो प्लांट है यहाँ पर भी आपको एक स्टेबल कारोबार देखने को मिल सकता है। विदेशी मार्केट में अधिकांश जो खाद्य तेल की कीमतों में
हल्की नरमी का रुख कल के दिन देखा गया। मलेशिया पाम तेल की कीमतों में शाम के सत्र में गिरावट दर्ज करी गई। विदेशी मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं रही। अब इसकी वजह से रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो जयपुर में रेट 5450 रुपए देखा जा रहा है। सरसों सीट का रेट है ये। दिल्ली कीमतें 5300 है। बरवाला का रेट 5100 है। ग्वालियर कीमतें आप 5000 देखकर चल सकते हैं। मस्टर्ड सीड में हिसार में रेट 5100 है। गोयलकोटा का रेट 5250 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करते हैं एक्सप्लोर के बाजार के बारे में तो एक्सप्लोर में मार्केट में जयपुर में जो रेट देखा जा रहा है मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लोर में वो 1026 है। दिल्ली कीमतें 1025 है। भरतपुर का रेट 1010 रुपए आपको मार्केट में यहाँ से देखने को मिल सकता है। कच्ची घानी सरसों तेल और एक्सप्लोर कीमतों में कल के दिन बाजारों में हल्की सी नरमी दर्ज करी गई और जो सरसों एक्सप्लोर के दाम रहे उसमें 14 रुपए तक की गिरावट कल के दिन बाजारों में आई थी। आज के दिन बाजारों में हल्की रिकवरी सरसों ऑयल में देखी गई है, एक्सप्लोर में देखी गई है। कच्ची घानी में जयपुर में जो रेट देखा जा रहा है वो 1036 है। कोटा का रेट 1035 रुपए देखा जा रहा है। भरतपुर कीमतें 1035 रुपए चल रही है। इसके अलावा बात करते हैं अगर प्लांटों के बारे में तो सलोनी शमशाबाद में रेट 5800 हो गया है। सलोनी डिग्नेर का रेट 5800 है। सलोनी अलवर कीमतें 5750 है। सलोनी कोटा में आप बाजारों में यहाँ से 5700 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं। कच्ची घानी में भी कल के दिन 14 रुपए तक की नरमी के साथ कारोबार हुआ था लेकिन आज बाजारों में हल्की सी रिकवरी दर्ज करी गई है। कच्ची घानी के रेट में हल्की 5 रुपए तक की आप बढ़त देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है सरसों सीड का मार्केट में वो कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है वो उसमें बहुत ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सरसों सीड में वो फिलहाल के लिए जो ट्रेंड है वो निगेटिव नजर आ रहा है लेकिन ओवरऑल खाद तेल के मार्केट में अगर देखते हैं सरसों तेल सोया तेल और जो घरेलू मार्केट है लोकल मिले हैं यहाँ पर अगर देखते हैं तो ट्रेंड पॉजिटिव है। मिला जुला रुख बाजारों में देखा जा रहा है। काफी हद तक बाजार आयातित खाद्य तेल पर विदेशी बाजारों पर निर्भर कर सकता है। बहुत ज्यादा ना तेजी है ना ही बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज करी जा रही है। गिरावट पर खरीदारी करने के साथ साथ आप ऊपरी स्तर पर अपना यहाँ से प्रॉफिट बुक करके जरूर चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे खास तौर से गेहूं के बाजार से। आज की खबरें आ रही हैं गेहूं के बाजार में मंदी आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आज जो गेहूं के दाम रहे हैं दिल्ली में लॉरेंस रोड पर जो आज दाम रहे हैं 25 से 30 रुपए तक यहाँ पर नरमी दर्ज करी गई। दाम 2600 से नीचे है। 2575 रुपए प्रति क्विंटल के दाम के आसपास यहाँ पर कारोबार हुआ है। व्यापारी मान रहे हैं कि उत्तर भारत के राज्यों में नया गेहूं 8 से 10 दिन बाद आना शुरू हो सकता है इसीलिए दाम में धीरे धीरे नरमी आने का अनुमान है। मौसम अगर अनुकूल रहता है तो होली के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए गेहूं की आवक जो है वो बढ़ सकती है और मार्केट में जो अभी जो आवक देखी जा रही है वो भी नए गेहूं की जो है वो बढ़ी हुई है जिसके कारण 70 से लेकर 75 रुपए तक की बाजारों में क्वालिटी के अनुसार यहां से गिरावट दर्ज करी गई है। जो गेहूं ऊपर स्तर पर 2750 के आसपास बिक रहा था उसके दाम 2575 के आसपास मार्केट में रह गए हैं। गेहूं में एमपी का जो दाम है दिल्ली के अलावा 2750 रुपए के आसपास देखा जा रहा है लेकिन बढ़िया फसल और आवक को देखते हुए मिल वालों ने खरीद को काफी ज्यादा हद तक रोक दिया है जिसे देखते हुए चालू हफ्ते में 50 से लेकर 75 रुपए तक की और भी नरमी आ सकती है। आने वाली फसल का अनुमान 1120.7 लाख के आसपास होने का सरकारी अनुमान लगाया जा रहा है। तो फसल तो देखते हुए बहुत ज्यादा तेजी बाजारों में गेहूं के बाजार में नजर नहीं आ रही है। जरूरत के हिसाब से आप गेहूं के मार्केट में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और कृषि बाजार से जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।